सर्वे छात्र छात्राणि नमस्कारम। अद वयम संस्कृत भाषा शिक्षण पठिष्यामः। आज हम संस्कृत बोले बीएसटी से सेकंड ईयर के संस्कृत शिक्षण में हम खंड चार यानी खंड तीन पूरा हो चुका है। खंड चार कक्षा उपयोगी सामग्री हा निर्माणम यानी कक्षा उपयोगी या कक्षा के लिए अपन जो उपयोग में लेते हैं उन सामग्री का निर्माण कैसे किया जाता है, किस तरह से किया और क्या इसकी क्या आवश्यकता है। भले कि जैसे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए और बच्चों को आसान से आसान समझाने के लिए हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शिक्षण सामग्री अपने शिक्षण को रुचिकर बनाता है, शिक्षण को सरल बनाता है और बच्चों को एक आसानी से समझ में आ जाता है। तो शिक्षण सामग्री किसे कहा जाता है कि वे सामग्री या वे साधन जो एक अध्ययन को सॉरी अपने शिक्षण को प्रभावी बनाए और बच्चों को लंबे समय तक याद रखे, तो उन सभी सामग्री को क्या कहते हैं हम, शिक्षण सामग्री कहा जाता है। अब संस्कृत में जैसे कि और शिक्षण सामग्री अगर उपयोग में नहीं ले तो शिक्षण प्रभावी नहीं बनेगा, शिक्षण रुचिकर नहीं बनेगा। क्योंकि शिक्षण को कई बार आपने देखा होगा कि टीचर पढ़ाते हैं और समझ में नहीं आता, वो बोल के चले जाते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं लेकिन अपने को समझ में नहीं आता। लेकिन शिक्षण सामग्री की जब तक प्रयोग में नहीं ली जाएगी तब तक शिक्षण प्रभावी नहीं बनेगा। तो एक टीचर के द्वारा शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और एक टीचर अपनी शिक्षण सामग्री मतलब कक्षा में प्रवेश करने से पहले, क्लास में जाने से पहले अपनी सभी चीजों को मतलब कि तैयार करके जाए। जैसे मान लो अपन क्लास में जाते हैं तो टीचिंग एड लेके जाता है, चित्र लेके जाएगा या अपनी पाठ योजना बनाने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है पाठ योजना। जो वो पढ़ा रहा है उस विषय वस्तु की एक पाठ योजना बनाएगा, उसमें मतलब ये कि कौन सी शिक्षण विधि यूज करेगा, कौन से मतलब कि टीएलएम सॉरी शिक्षण सामग्री यूज करेगा, कौन से मतलब ये कि कथाएं बोलेगा, कौन से उदाहरण देगा, इन सभी चीजों का पाठ योजना में समाहित करके वो एक क्लास में जाता है, तभी उसका शिक्षण प्रभावी बनता है। अब आप जैसे यहाँ पे संस्कृत में लिखा है, एक अपन कक्षा उपयोगी सामग्री के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं कि विद्यालय संस्कृत शिक्षण प्रभावोत्कम प्रेरणात्मक च कर्तु छात्रभ्य कक्षा उपयोगी संस्कृत सामग्री निर्माणम अपेक्षित भवति। कक्षायां या संस्कृत शिक्षण सामग्री छात्र संस्कृत संभाषण लेखनाय च प्रोत्साहितेभ्य उपयोगिता च स्यात् सा कक्षा उपयोगी सामग्री कथ्यते। अस्मिन् खंडे संस्कृत संभाषणस्य लेखनस्य च गतिविधीनां योजना निर्माणस्य च प्रधानता वर्धते। अब इसका मैं हिंदी करके बताऊंगा कि विद्यालय संस्कृत शिक्षण प्रभावोत्पक प्रेरणात्मक च कर्तु यानी विद्यालय स्तर पर संस्कृत शिक्षण को प्रभावोत्पक यानी प्रभावी बनाने के लिए प्रेरणात्मक बनाने के लिए छात्रों को कक्षा उपयोगी संस्कृत सामग्री निर्माण कराई जाती है। यानी बच्चों से यानी उनसे मतलब है कि बच्चों से जो उद्देश्य की प्राप्ति करवानी है, जो लक्ष्य की प्राप्ति करवानी है, तो उनसे मतलब संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा उपयोगी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब कक्षा या संस्कृत शिक्षण सामग्री छात्राणाम संस्कृत संभाषण लेखनम च प्रोत्साहित यानी जो कक्षा उपयोगी जो सामग्री है वो छात्रों से संस्कृत में बोलने में लिखने में प्रोत्साहित करती है। यानी संस्कृत बोल सके और संस्कृत को लिख सके, इसलिए संस्कृत शिक्षण में कक्षा उपयोगी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब तेव्य उपयोगिता च स्याद और उनकी उपयोगी और उपयोगिता को भी बताता है। यानी संस्कृत जो शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं उसमें उपयोगिता भी बताई जाती है। सा कक्षा उपयोगी सामग्री कहते थे और उन्हीं सामग्रियों को उन्हीं साधनों को जो एक संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बना सके, प्रेरणात्मक बना सके और संस्कृत को एक सरल भाषा में समझा सके, उन सभी साधनों को क्या कहा जाता है, कक्षा उपयोगी सामग्री कहते हैं। यानी उसमें कौन कौन सा आ गया, जैसे अपने शिक्षण सामग्री आ गई, पाठ योजना आ गई, एक टीचर के द्वारा जो भी एक अपने शिक्षण में जो भी उपयोग में लेता है, चाहे वो कोई भी हो, सैंपल हो, चाहे अपने पाठ योजना हो, चाहे शिक्षण सामग्री, उन सभी को क्या कहते हैं, कक्षा उपयोगी सामग्री। अस्मिन् खंडे संस्कृत संभाषण से लेखन से यति गति विधि नाम योजना निर्माण से च प्रदान। इस खंड में संस्कृत
सम भाषाएं बोलने यानी संस्कृत बोलने और लिखने की गति और विधि का योजना का निर्माण पर मतलब के प्रधान रखा गया है। यानी इस खंड में, इस अपने खंड चार यानी इकाई चार में, इसमें लगभग कहने कि बोलने और लिखने मतलब संस्कृत में बोलने और लिखने योजना पर ज्यादा मतलब प्रधान रखेंगे, ज्यादा बल दिया गया। मतलब ये कि इसमें लिखने अब इसी में ही जैसे दैनिक पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना और इकाई पाठ योजना संस्कृत में कैसे बनाई जाती है उसके बारे में जोर दिया गया। अब इस मतलब है कि इस कक्षा उपयोगी सामग्री का उद्देश्य क्या है उस और क्यों उपयोग मिल जाती है, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य अवश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? अब है अपने कक्षा उपयोगी सामग्री के उद्देश्य। मतलब कोई भी कार्य करते हो उस कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है, क्योंकि बिना का उद्देश्य के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं करते और कार्य कर भी नहीं सकते, क्योंकि उद्देश्य होना जरूरी है। तो मतलब शिक्षक कक्षा उपयोगी सामग्री का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे उद्देश्य मतलब कक्षा उपयोगी सामग्री का निर्माण क्यों किया जाता है, मतलब क्या ऐसी क्या जरूरत पड़गी। आपको मैंने हिंदी में बताया कि कक्षा उपयोगी सामग्री का निर्माण क्यों जाता है, क्योंकि पाठ को एकदम रुचिकर बनाने के लिए, पाठ विषय वस्तु को क्या कहते हैं रुचिकर और आनंदमय बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को सरल बनाने के लिए और मतलब है कि कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक सीखने को मिले, इसलिए हम कक्षा उपयोगी सामग्री प्रयोग में लेते हैं। और कक्षा उपयोगी सामग्री से इससे एक फायदा होता है कि शिक्षण व्यवस्थित रूप से चलता है, शिक्षण एक अनुशासित होता है। तो शिक्षण में ये कक्षा उपयोगी सामग्री का प्रयोग करना जरूरी है। अब जैसे पहला है कि संस्कृत सम भाषणम लेखनस्य च जिज्ञासाम उत्पादनम, यानी संस्कृत में बोलने व लिखने की जिज्ञासा उत्पादन करता है, यानी बोलने और लिखने की जिज्ञासा प्रेरित करता है, उसमें एक उस कार्य में मतलब है कि आगे बढ़ने को बालक को अवसर मिलता है, ठीक है। दूसरा है संस्कृत सम भाषणस्य लेखनस्य च योजना निर्माणम, और संस्कृत में बोलने व लिखने की योजना का निर्माण कर सकता है। मतलब है कि संस्कृत में ज्यादातर क्या है कि एक तो बोलने और एक लिखने पर ज्यादा जोर दिया है, कि संस्कृत में वो बच्चा बालक कुछ वाक्यों को बना सके, लिख सके तो और योजनाओं का निर्माण कर सके, इसलिए कक्षा उपयोगी सामग्री का प्रयोग करता है। समग्र शिक्षण योजना का निर्माण और पूरी समग्र मतलब शिक्षण योजना होती है, एक बालक जब एक क्लास में पढ़ता है तो शुरू से लेकर एंड तक जो एक समग्र योजना का निर्माण करने में उसको एक सहायता मिलती है। मतलब समग्र योजना क्या किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि बिना योजना के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिना योजना के कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं अपन को असफलता प्राप्त होती है। तो योजना बहुत बढ़ाना जरूरी है, इसलिए योजना बनाने में ये सहयोग देती है। वर्तमान शिक्षण सामग्री विश्लेषण, और वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है, वर्तमान समय में जो संस्कृत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें विश्लेषण करने में ये सहयोग देती है। अब भाषा शिक्षण से विधिना मनोवैज्ञानिक आधारे प्रेक्षण, और ये भाषा शिक्षण यानी भाषा सीखने में मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब सहारा लेता है, मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रेक्षण होता है। मनोवैज्ञानिक मतलब ये तो एक साइकोलॉजी कि कोई चीज पहले कैसे सिखाई जाए, बाद में क्या सिखाई जाए, बच्चा का स्तर कैसा है, ये सब देखकर एक शिक्षण कराया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर ये शिक्षण किया जाता है। छठा है बालकानां प्रतिक्रिया आधारित संशोधन शिक्षण, और जब कक्षा उपयोगी सामग्री का प्रयोग करते हैं, पाठ योजना का प्रयोग करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, एक शिक्षक के द्वारा जो पाठ योजना बनाई जाती है, वो पहले दिन जब अब क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसको लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो अपने पाठ योजना में परिवर्तन करता है, शिक्षण विधि में परिवर्तन करता है, अपने शिक्षण सामग्री में परिवर्तन करता है। इससे क्या होता है कि शिक्षण मतलब एक शिक्षक को भी अपने पाठ योजना में परिवर्तन करने का अवसर मिलता है। तो ये है अपने कक्षा उपयोगी सामग्री के उद्देश्य। अगले वीडियो में अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।